بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान नेवी में सिविलियंस की जॉब अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज की वीडियो में पाकिस्तान नेवी में सिविलियंस के एकेडमिक टेस्ट जो कि कंप्यूटर पे परफॉर्म होता है उसकी ये वीडियो है, और ये ऑल पोस्ट के लिए मौजू वीडियो है। BPS 1 से लेकर BPS 15 तक की तमाम वैकेंसीज के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट की वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वर्बल और नॉन वर्बल वीडियोस की टेस्ट प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एकेडमिक टेस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन MCQs इंक्लूडेड होते हैं, जो कि आज की वीडियो में भी क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। आप ये तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें ताकि आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है वो आसान साबित हो। मज़ीद वीडियोस भी इन टॉपिक्स पे जल्द से जल्द चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी जाएंगी, जिससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए आसानी से दस्तयाब हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पाकिस्तान नेवी सिविलियन इनिशियल टेस्ट इंग्लिश के ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस जो पहले पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो क्वेश्चन हैं, तो आप उम्मीद की जा रही है कि आपके लिए ये फायदेमंद साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द बॉय डैश लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग। तो इसमें आंसर आपके सामने दिया गया है, वूज, द बॉय वूज लेग इज ब्रोकन इज सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गिव मी ग्लास ऑफ जूस। तो इसमें आएगा वू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज गोइंग टू स्लीप वूम द ड्रामा डैश। तो इसमें आएगा एंड्स। अगला क्वेश्चन है, शी इज कुकिंग फूड डैश द किचन। तो इसमें आएगा इन। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं कि ये MCQs की फॉर्म में होंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपने एक ऑप्शन जो है चूज करना होगा। यहां पे मैंने वीडियो मुख्तसर करने के लिए डायरेक्ट आंसर जो है वो राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉच डैश यू बॉट वॉज ब्यूटिफुल। तो इसमें आएगा, द वॉच विच यू बॉट वॉज ब्यूटिफुल। अगला क्वेश्चन है, आई वॉज वॉचिंग टीवी डैश आई गो टू बेड। तो इसमें आंसर है आफ्टर आई गो टू बेड, फिल इन द ब्लैंक में आफ्टर आएगा। अली हैज डैश टू ड्रिंक, अली हैज सेम थिंग टू ड्रिंक। अगला क्वेश्चन है, दे आर डैश देयर होमवर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क। फिर है, अली डैश फॉर कार्स, अली हैज फोर कार्स। तो इसमें हैज आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दे डैश हार्ड ऑल द डे, दे वर्क हार्ड ऑल द डे। आई कुड नॉट फाइंड इट डैश, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, फिल इन द ब्लैंक में एनीवेयर आएगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यू कैन वेट हियर डैश आई कम बैक। तो इसमें आएगा अंटिल। इंग्लिश इज डैश हियर, English is spoken here. अगला क्वेश्चन है, K2 is dash highest place. तो इसमें है K2 is the आएगा, the highest place. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पाकिस्तान नेवी सिविलियन इनिशियल टेस्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। तो कोसैक किसके बराबर होता है, आगे आपने ये फॉर्मूला कंप्लीट करना होगा, जिस तरह कोसैक जो है ये 1/sin है, फिर साइन जो है ये किसके इक्वल है, तो ये 1/cosec के बराबर होता है। आगे है tan, tan इज इक्वल टू 1/cot। फिर है cot, cot इज इक्वल टू 1/tan। इस तरह का आपको फार्मूला कंप्लीट करना होगा। फिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये शेप आपको ड्रा करनी होगी। फिर है जी इक्वल मैट्रिक्स,
ये किस तरह का होता है ये आपने चूज करना है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है आपका x 3 प्लस 8, ये किसके इक्वल आएगा। तो ये आपने रफ पेज पे वहां पे या पेपर के ऊपर ही आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपने परफॉर्म करके बताना है कि ये इसके इक्वल है। फिर a इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू लॉग a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ये फार्मूला आप प्रिपेयर कर लें। फिर a रेशो b इज इक्वल टू 4:8 a कॉमा b कॉमा 4:8 आर कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आपका a इंटू बी प्लस 4ac लेस देन 0 देन 4:2 प्लस 2x प्लस 6 आर इमेजिनरी, तो ये आपने सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है एंगल बिटवीन 90 एंड 180 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आप बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट, ये आपने बताना है। 2π इज इक्वल टू 360, तो क्या 2π 360 के इक्वल होता है, सही है, ये आपने परफॉर्म करना है। ट्राइंगल की डेफिनेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए, द शेप विच हैज 3 कॉर्नर वर्टिकल लाइंस इन मैट्रिक्स आर कॉलम, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स में बताना है कि वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं या रो कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि कॉलम ही कहलाते हैं। आगे है पाकिस्तान नेवी सिविलियन इनिशियल टेस्ट जो है ये अपोजिट और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से क्वेश्चन है। अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव का अपोजिट क्या होता है, ये आपने बताना है चीप, ये आपको एमसीक्यूज ऑप्शन में से चूज करना है। शी डैश अ यूनिफॉर्म, शी वियर्स अ यूनिफॉर्म। फिर आगे है ही इज अ मैन डैश आई नो यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली, तो इसमें आपने वूम लिखना है कि वूम आई नो यू कैन ट्रस्ट कंप्लीटली। फिर आगे है फार्मर यूज ट्रैक्टर डैश इन द फील्ड टू प्लो, तो इसमें क्या आपने लिखना है, फार्मर यूज ट्रैक्टर टू प्लो इन द फील्ड, टू प्लो इसमें करेक्ट आंसर है। आगे है ऑल द मनी डैश आई गेव हर हैज बीन स्पेंट, तो इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक में विच। फिर आगे क्वेश्चन है अ फिगर डैश 4 साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर, इसमें आएगा वूज, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वूज आपको लगाना पड़ेगा। ही एंड आई डू आर लेसन और सेल्फ्स, लेसन और सेल्फ इसका आंसर है। आगे है डैश क्रॉसिंग अ रोड आई सा एन एक्सीडेंट, तो इसमें है वाइल क्रॉसिंग अ रोड आई सा एन एक्सीडेंट, तो वाइल आएगा। फिर है दिस इज द रीजन डैश हिज सुसाइड, दिस इज द रीजन ऑफ, तो इसमें ऑफ आएगा। फिर है आई एग्री डैश यू, आई एग्री विद यू, विद इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक में आंसर करेक्ट आएगा। ही गोज फॉर अ ट्रिप डैश हॉलीडे, इसमें ऑन आएगा, ऑन हॉलीडे। ही नाउज डैश, तो ही नाउज स्विमिंग, ये एमसीक्यूज में से आपने चूज करना है। डिनाई मीन्स, तो डिनाई का आपने जो है वो मतलब बताना है, तो डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज करना, मना करना, तो डिनाई मीन्स रिफ्यूज। फिर अगला क्वेश्चन है ही रीच कोहाट डैश बस, ही रीच कोहाट बाई बस, तो इसमें बाई आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।